अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना मुर्तज़ा, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ मैं। और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो हम पहले उनसे उनका कंसेंट लेते हैं कि क्या उनकी वीडियो हम यूट्यूब में अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो और मरीज़ हैं जो इसी मसले से दो चार हैं, वो देखकर उनको अंदाज़ा हो जाए कि इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। और ये एक बेहतरीन तरीका है स्पीच थेरेपी, जो जिससे पेशेंट रिहैबिलिटेट हो जाते हैं। तो हम आज अपने इस एडल्ट पेशेंट से भी परमिशन ले लेंगे आपके सामने ही कि क्या उनको कोई मसला या कोई एतराज़ तो नहीं है कि अगर उनकी वीडियो यूट्यूब में अपलोड की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हो तासु माते दावा है छे तासु वीडियो यूट्यूब के जो अपलोड कौन तासु तरफ ने इजाज़त दी कि ना। सिंगर लगती जो है। ओके जी, थैंक यू। बस ये पेशेंट आए हैं एफेजिया के मसले के साथ। अभी मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि अभी थेरेपी से पहले ये पेशेंट के कैसे हालात हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स या जो ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनके फैमिली में एफेजिया के पेशेंट होते हैं, तो वो ख़ुद जज भी कर सके, उनको पता हो कि क्या क्या अलामत हो सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप मुझे कैंडी बताएं ये क्या है, ये किस चीज़ की तस्वीर है? गुड। अच्छा, ये क्या है? ओके गुड। ये क्या है? गुड। आप देख सकते हैं कि पेशेंट जो है वो हर तस्वीर में इशारे ही करके बता रहा है, जिन चीज़ों को पहचान भी जाए। ठीक है, वर्बल लैंग्वेज, वर्बल एक्सप्रेशन पेशेंट की आप देख सकते हैं कि नहीं है। ये किस चीज़ की तस्वीर है? बोलना चाह रहे हैं, बोल पर नहीं पा रहे हैं, देख लें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।